राजस्थान में चुनावी अभियान पर निकले राहुल आज सीबीआई विवाद और रफाल के बहाने पीएम मोदी पर हमला करते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप, रफाल घोटाले के कागजात इकट्ठा कर रहे थे आलोक वर्मा, इसीलिए जबरन छुट्टी पर भेजा। राजस्थान में झालावाड़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, रफाल के इर्द गिर्द जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। राहुल ने कहा, सरकार की कार्रवाई से साफ है कि सीबीआई चीफ रफाल पर कुछ जरूरी कागजात इकट्ठा कर रहे थे। वसुंधरा और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का निशाना, कहा 5 साल में किसान का 1 रुपया पीएम और सीएम ने माफ नहीं किया। देश की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया, अब चांस नहीं मिलेगा, अब कांग्रेस की सरकार आएगी। वसुंधरा के गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चौकीदार ने सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया है, संविधान खतरे में है। चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफाल पर सवाल उठा रही थी। आपने क्या गलती की है, आप में क्या कमी है कि हिंदुस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार ना आपका कर्जा माफ करती है, ना आपको लहसुन का सही दाम देती है, ना आपको बोनस देती है, ना आपको सही एमएसपी देती है। आपने क्या गलती की है, आप मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूं।